नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स ने लगता है मन बना ही लिया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जाओ तैयार भैया, हम लेकर आने वाले हैं बहुत कुछ। जी हाँ, अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के रेवोल्यूशन की, तो टाटा सियरा, टाटा जेस, टाटा इंडिका, टाटा सुमो गोल्ड, वहाँ से उठ के टाटा मोटर्स नेक्सोन, अल्ट्रोज, टियागो, पंच और अभी कॉन्सेप्ट SUV देखने को हमें मिला है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने सोच लिया है कि भैया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक ऐसा आईना दिखाएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि भैया अगर इस मार्केट में रहना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इसी का उदाहरण कल हमें देखने को मिला जब टाटा मोटर्स ने, जी हाँ, टाटा मोटर्स ने कॉन्सेप्ट SUV EV को हमें दिखाया। जी, सब कोई ने देखा होगा, क्योंकि अगर हम बात कर ले मीडिया इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मीडिया में अगर आप घुस जाओ ना, तो पूरे पेज आपको भरे हुए मिलेंगे टाटा कॉन्सेप्ट SUV EV से। जहाँ तक बात करें इसकी डिज़ाइन की, अगर इसकी बात करें लुक की, तो भैया सही में समझ में आती है कि फ्यूचर की ये कार कैसी दिखने वाली है। और अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री में क्या इस तरह का कुछ अभी हमें देखने को मिला है, तो टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको कुछ इस तरह की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन जिस तरह को हमको पता है कि दोस्तों टाटा मोटर्स अपने बजट को लेकर अभी काफ़ी टाइट रहती है और ये कोशिश करती है कि मिडिल क्लास के लिए हमेशा कुछ बेहतरीन करने की, तो उस बिहाव पे अगर आप देखें तो इसकी लुक तो सही में काफ़ी बेहतरीन लगती है। जैसा कि आपने देखा इसमें कि आपको इसमें सनरूफ भी दी जा रही है, वो भी पैनारोमिक दी जा रही है सनरूफ। उसके बाद अंदर की अगर हम बात कर ले, अगर गाड़ी के अंदर की बात करें, तो अंदर में कुछ भी भरा भरा सा नज़र नहीं आता है, सब कुछ खाली और एकदम सटीक जगह पे हर चीज़ अपने आप नज़र आती है दोस्तों। तो टाटा मोटर्स ने जो इनिशिएटिव ली है ना कि डिज़ाइन को बदल के रख देंगे और आने वाले फ्यूचर में लोगों को एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट कार दिखाएंगे, वो इसका एक कॉन्सेप्ट SUV यही है। तो दोस्तों, कल का जो दिन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी और ख़ासकर हम लोगों के लिए भी जो कार एंथुसियास्ट है और जो चाहते हैं कि भैया कार हो तो ऐसी ही हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी ये अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको क्या उम्मीद लगता है कि क्या टाटा मोटर्स ये जो पहल स्टार्ट की है नए डिज़ाइन लेकर आने की, उससे क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है। तो अपने जो भी राय और जो भी आप जानना चाहते हो या जो भी आपको पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बातों को लेकर।